पहली बार आए थे उसमें ही मुझे तो फायदा मिल गया था, चला नहीं जाता था मेरे सीने के अंदर। अगर मैं सोती थी तो दम घुटता था, पसीने में भीग जाती थी, और खाना खाने के बाद में तो मेरी आंख भी नहीं खुलती थी। अदालत न्यूज पर बात करेंगे राजस्थान से, राजस्थान के भक्तगण यहाँ पर हैं, तो जानते हैं कि राजस्थान क्या कहता है पंडुखर के बारे में। बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान में, हम आए हैं सीकर से। सीकर से जी, और पहली बार आए थे उसमें ही मुझे तो फायदा मिल गया था, जी। और बहुत अच्छे हैं। इस सच्चे दरबार की सब भावना करिए, इज्जत करिए इनकी, और इन कोई निंद्रा करके नहीं चलना है इन लोगों को। जो करते हैं, कोई थोड़ा करते हैं, ज़्यादा करते हैं, नहीं भाई, ये तो मुझे भी बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी भी करेंगे इन भैया की, किसी की भी करो, बुराइयाँ किसी की मत करो, अच्छा काम करो, अच्छी बातें करो, छोटे बड़े को सबको सम्मान दो, और ऐसी माँ सबको बेटों को पैदा करे जो आज नाम चारों कोने रोशन हो रहा है गुरु जी का। जी, तो आप राजस्थान से आई हैं, पहली बार जब आप यहाँ पर आए तो कैसे पता चला था? हमें पता चला था, यूट्यूब से चला था, और हम लोग कम से कम 4-5 आए थी, लेडीज लेडीज आई थी हम लोग। देख लो अब आप कैसे आए थे, हम इन सरकार के लिए हमने अपना सीना तान के यहाँ चले आए, हमें डर ही नहीं लगा। क्या है, सरकार है साथ में, याद करके चल रहे तो आप पहुँचेंगे। बाकी राजस्थान सीकर से लेडीज, अनपढ़ लेडीज तो पहुँच नहीं सकती, हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, आज तो आपके सामने बोल रहे हैं। पढ़ी लिखी हैं आप क्या? नहीं जी बेटा, मैं तो ये भी नहीं देखा कभी स्कूल अनपढ़ का, स्कूल किस चीज़ का बना है, ईंट का बना है, पत्थर का बना है। बाकी आज तो हम सोचते हैं कि जो सब कुछ, आप बात करने से तो लग रही हैं कि काफी पढ़ी लिखी हैं। नहीं बेटे ऐसी बात है ही नहीं, कौन कहता है, हम तो एक स्कूल का शक्ल भी नहीं देखा है। तो आप तो 2 बार आ चुकी हैं, आप तो, आपको कुछ ऐसा बताएंगे, कुछ फायदा हुआ है आपको? बिल्कुल हुआ है, क्या फायदा? मेरे से चला नहीं जाता था मेरे सीने के अंदर। अगर मैं सोती थी तो दम घुटता था, पसीने में भीग जाती थी, और खाना खाने के बाद में तो मेरी आंख भी नहीं खुलती थी, खाना तकलीफ देता था, और मैं पूड़ी नहीं खा सकती थी, आलू की सब्जी में 1 साल हो गया मेरे को, ऐसे देखती भी नहीं थी, मुझे नज़र से भी बुरा लगता था। बाकी मैं डेली पूड़ी सब्जी अच्छा दब के खा रही हूँ, और चावल भी खा रही हूँ, चावल भी छोड़ रखा है मैंने बाकी, और दाल भी छोड़ रखा है बाकी, ये जो छोड़ा है वो वापस खा रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखो मेरा पेट भी थोड़ा पतला हो गया है। जी। तो इस समय राजस्थान का सीधा इंटरव्यू आप देख रहे हैं, राजस्थान से आई हैं पतला आप? हो गया है और चलने में दिक्कत नहीं है, नहीं मुझे दम भरता था चलने में, अभी कुछ नहीं होता है। अभी तो मैं दूसरी बार आई ही हूँ, अब तो मैं 7 बार आऊंगी, तो पता ना गुरु जी क्या कृपा करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो उनकी ही माया है। गुरु जी तो छिन छिन में अपनी बातें सबकी पहचान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। भाई जी, आप राजस्थान से आई हैं तो बहुत सारी भाई जी इस समय आपको देख रही हैं, राजस्थान आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। तो बिल्कुल, देश में ऐसे कई स्थान ऐसे हैं सुनने में आते हैं, लेकिन हमने तो लोग सब जगह जैसे गए भी हैं, हो सकता है पैसे भी खर्चे हैं, बाकी पैसे तो वो दुखते हैं, ये पैसे यहाँ 1 लाख रुपया लग जाएगा ना, दुखेगा नहीं, पंडुखर में बिल्कुल नहीं दुखेगा, बिल्कुल भी, इतना आराम सुकून मिलता है। मैं एक नाइट किसी मेरे रिश्तेदारी में यारी में कहीं नहीं रुकती, क्यों, मैं माता की भी सेवा करती हूँ, मैं नहीं रुक सकती, पर मैं यहाँ पंडुखर सरकार में 9-9 दिन बैठी, पिछली बार भी बैठी थी और आज भी मुझे 7-8-3 तारीख की इधर ही हूँ मैं। 3 तारीख से इधर ही है और ये हमारा इंटरव्यू 10 तारीख को हो रहा है, तो यानी सात अबे दिन आपने रह लिया यहाँ पर, हाँ, तो 7 दिनों में यहाँ की व्यवस्थाओं के और बारे में रिश्तेदारी में अभी डेथ हो गई है, बाकी मेरी इच्छा नहीं है, हो गई तो हो गई, बताओ, अब क्या जाना है करूं, आपको? अब आज नहीं जाऊंगी कल चल जाऊंगी, कोई जरूर थोड़ी है। 7 दिन में कैसा लगा आपको बहुत यहाँ? अच्छा लगा मुझे, रुकने ठहरने की व्यवस्था कैसी थी? बिल्कुल, मैं जमीन में नहीं सो सकती थी, जमीन में सो जाती हूँ मैं, बाकी मैं बेड पे सोती थी, मेरी हालात ही ऐसे थे, बाकी मैं तो यहाँ अब कहीं भी सुला दो, कहीं बैठा दो, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकती थी, बैठा के दिखा लो बैठ जाऊंगी। तो यहाँ पंडोघर में आने से आपको एनर्जी भरपूर मिलती बिल्कुल है? मिल गई, मेरे को तो मिल गई, बाकी ये जानती हूँ मैं तो, अगर मेरी तो इच्छा ये है, मैं तो इधर आती रहूँ आती रहूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जी।
तो ये पंडोकर धाम आपको बहुत शांति बहुत अच्छा लगा है। मैं सब जगह जैसे मान लो घूमने में सब जगह गई हूँ। पंडोकर धाम के चैनल को बहुत लोग देख रहे हैं, कई लोग कमेंट करने का मन, कई लोग भाई जी कमेंट करते हैं कि पंडोकर धाम में तो दिखावा है, पैसे बहुत लूटते हैं। कहने वाले साले वो झूठे, माँ झूठे, माँ डकैती वो खुद करते हैं, वो जो करता है, जो चोरी करता है वो चोरी ही समझता है, जो कोई भी कार्य करेगा अच्छा बुरा वो अपना सा ही समझता है। पंडोकर सरकार का तो कोई करता है तो वो मुंह रह जाएगा उनका, तो नहीं करना चाहिए। और राजस्थान में क्या चल रहा है इस समय? बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो 4-5 आए थे, अब के हम तो कम से कम 9-5-15-16 आदमी आए हैं। और इस बार चुनाव में कुछ बात करें आपके साथ? हाँ करो। मोदी या राहुल कौन पसंद करती है? अब देखो ये तो बेटा हम जानते नहीं है, ये तो हम जानते नहीं है, बाकी कब भी कर लो हम वही बात बोलेंगे। वोट किसको देती हैं आप? हम तो वोट जनता पार्टी को देते हैं, बीजेपी को। बीजेपी क्यों अच्छी लगती है, कांग्रेस खराब क्यों है? वो तो देखो पार्टी है वो। हाँ, हमें देखो जो भी है अच्छे में अच्छा ही है। हाँ, पप्पू है वो। ठीक है, तो आपकी जन अदालत न्यूज पर ये पंडोकर धाम में राजस्थान का इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें बताइए। दरबार जय बोलो पंडोकर सरकार की जय। मेरे वाइफ के दोनों की तबीयत ठीक है। पत्नी का नाम? एकता। एकता कौन जाति के हैं आप? और कोई समस्या ऐसे कभी? कर्जा बहुत कर दे रहा था, मतलब पैसा आवक नहीं है। अच्छा, और कोई बात? बस चलिए। एकता स्त्री को इन्फेक्शन है, आइए पत्नी आइए। एकता स्त्री को इन्फेक्शन है, धन की हानि हो रही है, शेयर मार्केट में डूब गया धन। काय में चला गया पैसा? मजबूत शेयर मार्केट में। कितनी में पथरी है? भवन विक्रय हुआ 787/9 सेक्टर विक्रय किया है। ठीक है, बोलो। हाँ ना, ठीक है। क्या नंबर मकान आपका? 787 787 सेक्टर 9। बोलो हाँ ना। हाँ जी। पुत्री दिया की शादी 2022 में 18 फरवरी को कुनाल नामक लड़का से शुभ होगी, और पुत्री माधवी की मासिक धर्म खुलेगा, उसका भी जीवन बनेगा, आशीर्वाद है। जागरूक होना है। आप भी बताइए, आपकी पुत्री दिया नाम है, 18 फरवरी की शादी निकली है, कुनाल नाम के लड़के से होने जा रही है। ठीक है, कुनाल नाम का लड़का है। आपकी दूसरी बच्ची माधवी की मासिक धर्म यानी MC शिकायत प्रॉब्लम यानी रुकावट, तो इसमें मासिक धर्म चालू होगा, उसका भी जीवन सफल रहेगा, घर में प्रेत बाधा है, लाभ का आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पर आस्था और श्रद्धा रखिए, ठीक है? आप रोइए मत, दादाजी को पसीना चूरा है बिल्कुल पानी की तरह। तुम जिस समझ से आपको कुछ मिला यहाँ, क्या लगा आपको? बिल्कुल बहुत कुछ लगा, तभी आया। जैसा आपने यूट्यूब पे देखा उसे मिला कि नहीं? तो ये पंडोकर सगा दरबार है, आपकी वादा, आपकी परेशानी, आपका संकट मात्र 6 महीना 17 दिन तक ग्रह आपके प्रतिकूल है, यदि ये ग्रह शांति होती है और पुष्पावती में आप दीपदान करते हैं, अगले माह 3 दिन का मंत्र चिकित्सा आपकी होगी, 3 दिन की चिकित्सा पत्नी की होगी, और ये रूप अलग अलग लेना होता है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी रूप क्यों अलग की बोलते हैं, मैं इस पर भी प्रकाश डाल देता हूं। मंत्र चिकित्सा मंत्रों के द्वारा होता है, और मंत्रों का भी किरणें उसी प्रकार की होती हैं जैसे कि सैटेलाइट, जब किसी का एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें भी काला वस्त्र पहनना पड़ता है, फट्टा लगाना पड़ता है, जिससे कोई किरण क्षतिग्रस्त शरीर में दूसरी किरण से असर ना हो। इसी प्रकार से मंत्र चिकित्सा में भी उसी पर दी जाती है जिसकी आवश्यकता हो और जिसको विश्वास ना हो अपने घरे बैठे, ठीक है? लेकिन मंत्र चिकित्सा वाले व्यक्ति को
रूप व्यक्तिगत लेना होता है और मंत्र चिकित्सा के बाद एक घंटे बाद सम्मिलित होकर के ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन एक घंटे तक मंत्र चिकित्सा के बाद उस बेटी के साथ, उस बेटा के साथ, उस माँ के साथ, उस भाई के साथ परिजन लोग नहीं रह सकते, ध्यान रखिएगा। तो अगली बार जब आए तो दो कमरे लगेंगे, एक आपका, आपकी पत्नी का, दोनों की मंत्र चिकित्सा अलग अलग होगी और यह 3 दिन तक चलेगी, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। जय हनुमान जी पे आस्था रखें, सभी कार्य पूर्ण हो गए, आशीर्वाद करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपसे जनता दल के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें।